आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। बहुजन समन्वय समिति द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। 9 अगस्त 2018 को दिल्ली के जंतर मंतर पर 50 से 60 अन्याय व्यक्तियों द्वारा संसार के सर्वश्रेष्ठ भारतीय संविधान को जलाया गया। करोड़ों दलितों के मसीहा भारत संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणी की गई, उन्हें अपमानित किया गया। दलित विरोधी एवं आरक्षण विरोधी नारे लगाकर देशद्रोह का अपराध किया है। उपरोक्त द्वारा करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है। बहुजन समन्वय समिति मुरादाबाद इसके कड़े शब्दों में निंदा करती है, साथ ही मांग करती है कि ये उपरोक्त असामाजिक तत्वों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सभी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उपरोक्त असामाजिक तत्वों एवं देशद्रोहियों की नागरिकता समाप्त की जाए। इस कार्यक्रम में मुन्नालाल एडवोकेट, सुनील सागर, चोपी सागर, महावीर प्रसाद, विनीत कुमार, प्रेमपाल वाल्मीकि, ललित कुमार सिंह, शोभन प्रकाश, अनिल कुमार, राम सिंह आर्य, रोहित वाल्मीकि, सिद्धार्थ भारती, सुनील कुमार, आदित्य राज, भीम शायर, राजू नेपाल सिंह, नेम सिंह बहेलिया, रंजीत काका, राजीव भारती, ऋतु भानु सिंह, चंद्रन सिंह, चंदन सिंह रैदास, ललित कुमार, एमपी सिंह, राकेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। कृति फूकी है, उन पे मुकदमे कायम हो, उनको फांसी लगनी चाहिए। देशद्रोही जो लोग हैं उन्हें यहाँ की नागरिकता खत्म करनी चाहिए। और आज पूरे दलित संगठन, जितने दलित संगठन मुरादाबाद में और पूरे हिंदुस्तान में है, आज एक प्लेटफार्म पर है। और जल्दी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनका नागरिकता खत्म नहीं हुई, तो इससे बड़ा आंदोलन करेगा दलित और पूरे भारत को हिला के रख देगा। जिनको आस्था नहीं है, सिंह काका, मेंबर बहुजन संघर्ष समिति। आज पूरे भारत के अंदर दलित, पिछड़ी और ओबीसी घटकों दल के जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन थे, सब लोगों ने आज भारत के अंदर 13 तारीख को एक सूत्रीय कार्यक्रम, जो 10 तारीख को जंतर मंतर पर संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के संविधान की प्रतियां फूकी गई थी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के खिलाफ में जो नारे लगाए गए थे, इससे पूरे भारत के अंदर दलित और ओबीसी और पिछड़ी जाति के लोगों में कड़ा रोष उत्पन्न हो गया है। और पूरे भारत सहित मुरादाबाद जनपद में भी कड़ा रोष हुआ, जिसमें अम्बेडकर पार्क से दलित समाज के समस्त घटक दल, ओबीसी के घटक दल और पिछड़ी व अल्पसंख्यकों के घटक दल सामूहिक रूप से अंबेडकर पार्क में हम लोग इकट्ठे हुए और यहां से जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने के लिए भारी संख्या में, हजारों की संख्या में हम लोग यहां से जिला मुख्यालय गए, जहां पर जिलाधिकारी महोदय जी को हमने ज्ञापन सौंपा है, राष्ट्रपति महोदय जी को और प्रधानमंत्री जी को। हमारी मांग है कि जो जंतर मंतर पर घिनौनी हरकत की है, जो संविधान की प्रतियाँ फूकी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के विरोध में वहाँ पर नारे लगाए गए, ये लोग, ये बिल्कुल गलत काम किया है इन लोगों ने। और हमारा कहना तो एक है कि अगर जो देश के अंदर जो वाल्मीकि रामायण में आस्था नहीं रखता, महाभारत में आस्था नहीं रखता, गीता में और कुरान में और बाइबल में आस्था नहीं रखता, और भारत के लिखे हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के संविधान के अंदर आस्था नहीं रखता है, तो हम दलित और पिछड़ी जाति और ओबीसी के लोगों का एक छोटा सा सुझाव वो लोग मान लें, मनुष्यवादी लोग, कि अगर बाबा साहब के संविधान के अंदर, देश के संविधान के अंदर अगर आपको आस्था नहीं है, तो वो तुरंत ही देश छोड़कर कहीं दूसरे देशों में चले जाएं, और नहीं तो हम लोग आप लोगों को यहाँ पर मनुवादी लोगों को देश के अंदर रहने नहीं दी जाएंगे, क्योंकि जो संविधान हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो संविधान हित की बात नहीं करेगा तो देश में राज करने की तो छोड़ो, हम उसको देश में रहने भी नहीं देंगे। और हमने ये बात आज जिला प्रशासन के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को हमने संबोधित ज्ञापन में जिलाधिकारी के माध्यम से, हमने सभी संगठनों के, दलित संगठन और ओबीसी और पिछड़ी जाति के जो दलित संगठन थे हमारे, एकजुट होकर, लामबंद होकर हम लोगों ने जिला प्रदर्शन पर प्रदर्शन किया है, जिला मुख्यालय पर, और हमने मांग की। और अगर हमारी मांग के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है,
और जो प्रतियां फूकने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के खिलाफ में नारे लगाने वालों के खिलाफ में देशद्रोही और NSA के तहत अगर मुकदमा कायम होकर इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती और इनको फांसी की सजा नहीं होती है तो फिर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और अपने हकों की लड़ाई के लिए, अपने सम्मान की लड़ाई के लिए और बाबा साहब के संविधान की सुरक्षा करने के लिए हम लोग खुद सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी और भारत की सरकार की होगी। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। क्योंकि जो देश के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के संविधान की बात करेगा वही देश के अंदर राज करेगा। आपके समाज के द्वारा कोई पोस्टर जलाया गया है, वो किस चीज का पोस्टर? मनुस्मृति का फोटो जलाया गया है। हम चाहते तो यहाँ पर और जो मनुवादियों के भगवान हैं, देवता हैं, उनके फोटो भी हम जला सकते थे, लेकिन हम देश में शांति व्यवस्था चाहते हैं, इसलिए हमने कागज के एक टुकड़े पर हमने संकेत दिया है कि हम मनुस्मृति का हम पुतला फूंक रहे हैं। अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो फिर आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे। अभी तो हमने चंद लोगों को, क्योंकि त्योहारों का सीजन है और बच्चों के क्या नाम है जो पेपर वगैरह भी चल रहे हैं, हम लोगों ने जानबूझ के ही कम संख्या में लोग संगठन के घटक दलों के पदाधिकारी लोगों को बुलवाया था। अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो फिर सड़कों पे उतरेंगे। 2 अप्रैल का आप लोगों ने देखा था आंदोलन हमारे चंदन रविदास जी के नेतृत्व में, उससे भी भारी भयंकर भीड़ होगी यहाँ पर। और अभी तो हमने यहीं के शहर के और चंद लोगों को जो कट्टर हमारे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, अम्बेडकर जी की संविधान में आस्था रखते हैं, उन लोगों को हमने बुलवाया। अभी हमने भीड़ को नहीं बुलाया। और अगर हमारे देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने और जिले के प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी तो बहुत जल्द हम बड़ा आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी। और नंबर एक चीज, नंबर दूसरी चीज़ ये है कि अगर संविधान के खिलाफ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की या संविधान के खिलाफ में कोई भी बात की या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के साथ में कोई भी ऐसी टिप्पणी की तो मैं ये चेतावनी देता हूँ कि 2019 के अंदर आपका कोई भी MP संसद का मुंह नहीं देख पाएगा। ये हम बताना चाहते हैं, क्योंकि दलितों के वोट से बनकर आप लोग वहाँ बैठे हैं और मठाधीशी कर रहे हैं। जब हमारे उत्पीड़न की और शोषण की बात आती है तो वहाँ चुप्पी मार कर बैठ जाते हैं। ऐसे सांसदों का भी हम घेराव करेंगे, ऐसे सांसदों को भी दोबारा सांसद में बैठने के लिए क्या नाम है जो उनको वोट हम वोट नहीं करेंगे क्या नाम है जो, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा अधिकार अगर आज है तो वो वोट है। और हम 2019 के अंदर वोट की चोट करेंगे और दिखाएंगे कि दलितों की और पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों की वोट में कितनी ताकत है। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। तानाशाही, तानाशाही, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। जो संविधान को जलाने की और उन्होंने मनोवादियों ने ये काम किया, तो जिसके अंदर में दलित समाज, OBC और एवं बहेलिया समाज सब लोग एक हैं, क्योंकि बाबा साहब जो हैं वो सभी के हैं। तो मैं चाहता हूँ भाईचारा और गंगा जमुना की तहजीब से हम लोगों को सबको एक रहना चाहिए, लेकिन नहीं, जो 100 में से जो हमारे सिर्फ और सिर्फ 15% के जो लोग हैं वो हमेशा वो चाहते हैं कि ये आपस में लड़ते रहें और जातियों में इनको बांट दिया जाए। और इसी तरह से जैसे अंग्रेज भाई से भाई को लड़ा करके और एक नीति तैयार करते थे, उसी कारण वो राज करते थे, इसी तरह से उन मनुवादियों ने भी यही रचना शुरू कर दी। लेकिन दलित, OBC और बहेलिया अब इतना कमज़ोर नहीं है कि अपने अधिकारों पे ना लड़ सके और सरकार को जवाब ना दे सके। आपने देखा होगा 2 अप्रैल में जो हमारे चंद्रसेन भाई के नेतृत्व में जो आंदोलन 2 अप्रैल का हुआ था वो सिर्फ एक टेलर था। अगर इसी तरह से अगर ये मनोवादिया करते रहे तो वो दिन दौर नहीं तो पिक्चर ना दिखा दी जाए। जानना चाहते हैं तो उस पिक्चर में मनोवादियों को हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि आप अपनी सोच को बदल लो, आप अपने दिमाग को बदल लो। हम लोग किसी चीज़ को छेड़ाछाड़ी नहीं करते। तो हमारे बाबा साहब को जो इस तरह की बातें की जाती हैं, बाबा साहब के कहीं मूर्तियाँ तोड़ दी जाती हैं और कहीं संविधान को जला दिया जाता है,
ऐसे मनोवादियों को हम चाहते हैं कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। अगर इस तरह का अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया सरकार ने, तो 2019 में योगी जी आप भी और माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी आप भी नोट कर लो कि इन्हीं दलितों के वोटों से आप चुन करके राज कर रहे हो। और जो आप हमेशा बड़ी बड़ी सभाओं में आप ये कहते हो बहनों और भाइयों, अरे समय में हम लोगों को गुमराह करते हैं आप लोग, और सिर्फ ये कहते हैं हिंदू और मुस्लिम, बस कुछ ना करो, बस दाढ़ी को हटाओ। और आप इस तरह की नीतियाँ तैयार करके और वोट लेने के लिए हमें हिंदू बना लेते हो, और जब राज की बात आती है तो राज करते हो, उसके बाद हमारे माथे पर रखते हो तो आप दलित हो। तो दलितों की जो बात करेगा वो ही देश में राज करेगा। हम आपसे बताना चाहते हैं, आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर इसी तरह से भेदभाव और दलितों का अगर शोषण होगा तो दलित अब सड़कों पे उतरेगा, अपने हकों के लिए उतरेगा, अपने बाबा साहब के लिए उतरेगा, और हम कदापि ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए मेरे दिलों की गहराई से सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। और आज हमारा बहुत बढ़िया आंदोलन सफल रहा और भारी संख्या से सब लोगों ने समर्थन किया। लेकिन आज जो था वो खाली जो हमारे जो संगठनों के जो मुखिया थे उनको बुला करके, क्योंकि त्यौहार का दिन है इसलिए हमने शांतिपूर्वक से ये मतलब किया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जिसके अंदर में पूरे भारत के, उत्तर प्रदेश को छोड़ो, पूरे भारत के अंदर में, चाहे वो महाराष्ट्र हो या उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, पूरे देश में ऐसा भ्रमण होगा कि सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।